हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रृंखला चावला आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और सब अपने एजुकेशन को लेके काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ना ही बुक्स हैं ना ही क्वेश्चन बैंक हैं। तो मेरे पास कुछ बुक्स रखी थी पुरानी और थोड़े नोट्स भी थे, तो उन सबको मिला कर मैं नोट्स बना रही हूँ। तो ये जो आज का जो टॉपिक है वो है बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, जिसका कोड है B401, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में माध्यमिक शिक्षा। और इसका जो फोर्थ यूनिट है सेकेंडरी एजुकेशन इन अ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो ये मैंने टॉपिक लिया है। इसमें जो सबसे पहला है रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमीशन 1952 और 1953। तो ये जो है आज मैं अपने इस वीडियो में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगी, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए। और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ जितने भी आपके बीएड के फ्रेंड्स हैं उन सब की भी हेल्प करिए। ये वीडियो सिर्फ एक हेल्प का माध्यम है ताकि आप लोग भी आराम से पढ़ सकें और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आराम से पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है मुदालियर आयोग, ये बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो फर्स्ट पेपर है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है कि मुदालियर आयोग की सिफारिश क्या है, क्योंकि ये सबसे जो पहला आयोग था माध्यमिक शिक्षा के लिए, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपके शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि सिफारिश क्या थी, और आपके लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मे बी आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो जो मुदालियर आयोग था, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सुधार एवं परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया गया। मतलब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद इन्होंने देखा कि जो ये एजुकेशन है इसको सुधार की ज़रूरत है, इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मुख्य कारण देश की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तनों का होना था। तीव्र गति से परिवर्तित होने वाली परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करने के लिए अनिवार्य समझा गया कि देश की माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रणाली का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने तो सन 1948 में ही एक आयोग की नियुक्ति की। मतलब उन्होंने देखा कि जो आर्थिक है भारत में, सामाजिक जो स्थितियां हैं वो चेंज हो रही हैं, तो उन्होंने उनको लगा कि जो ये हमारी माध्यमिक शिक्षा है अगर इसका इसमें कुछ परिवर्तन किए जाए, बदलाव किए जाएं, तो हो सकता है कि इन सब में भी सुधार किया जाए। तो जो हमारी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड थी उन्होंने 1948 में ही अपनी जो सलाह, जो अपनी अनुरोध था वो उन्होंने किया था। लेकिन जो सरकार थी उस समय उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की। सन 1951 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने स्थिति को गंभीर बताते हुए पुनः एक बार माध्यमिक शिक्षा संबंधी आयोग की आवश्यकता को दोहराया। उसके बाद दोबारा 1958 में, पहले तो उन्होंने 1948 में किया कि हाँ हमें ज़रूरत है, बट उन्होंने दोबारा अनुरोध किया कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि माध्यमिक शिक्षा का भी पुनर्गठन किया जाए। तो उन्होंने इस बार जो फैक्ट भी दिए कि ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये एक मार्गी है, मतलब इसका जो उद्देश्य है वो एक मार्गी है, ये खुद में ही दोषपूर्ण है। मतलब इसमें इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया, जैसे पहले क्या होता था, बच्चा पढ़ने के बाद सिर्फ एजुकेशन लाइन में ही जाता था, मतलब वो उसके अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकता था। तो उन्होंने ये बात बोली कि तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा अपने आप में दोषपूर्ण है तथा उसका मुख्य उद्देश्य एक मार्गी होना है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षा प्राप्त करके नौकरी खोजने के अतिरिक्त कुछ नहीं आता, जो कि बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो ये एक बेरोजगारी का कारण बढ़ता जा रहा था कि नौकरी करने के अलावा कोई व्यवसाय नहीं बच्चे कर पा रहे थे, मतलब अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच नहीं पा रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको आप देखिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या और ये बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी को उत्पन्न कर रही है। तो इस स्थिति में बोर्ड का सुझाव
था कि माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन होना चाहिए और इससे अधिक उपयोगी और व्यावहारिक बनाना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि ये और अधिक उपयोगी बनाया जाए और व्यावहारिक बनाया जाए। बोर्ड के अनुरोध को सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा सितंबर 1952, मतलब सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा संबंधी विस्तृत अध्ययन के लिए आयोग नियुक्त किया गया। तो जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग है, ये हमारा 1952 में बना और इसे ही हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। यह आयोग डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित किया गया। मतलब जो उस समय अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसमें 9 सदस्य थे। मतलब एक तो हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण मुदालियर। इसके अलावा जो हमारे 8 जो सदस्य थे उनके नाम हैं डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली, श्रीमती हंसा मेहता, श्री जॉन क्रिस्ट्री, डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम्स, श्री के जी सैयदन, श्री जे ए तारापुरवाला, श्री एम टी व्यास तथा डॉक्टर ए एन बसु। इस 9 सदस्यों वाले आयोग के सह सचिव पद का कार्य डॉक्टर SMS चारी ने किया था। तो जो इसकी सिफारिश थी, मुदालियर आयोग की सिफारिश, वो 23 सितंबर 19 मुदालियर आयोग की सिफारिशें 23 सितंबर 1952 में नियुक्त किए गए मुदालियर आयोग ने जून 1953 में अपने अध्ययन के निष्कर्षों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट कुल 244 पृष्ठों की थी और इसमें 15 अध्याय थे। 15 अध्याय में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का विवरण देते हुए उसके सभी पक्षों के विषय में सुझाव एवं सिफारिशें प्रस्तुत की गई। तो फ्रेंड्स, आज जो ये मैंने वीडियो बनाई है, ये थोड़ा सा इसका सारांश था। अब जो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी, जो मुदालियर आयोग की सिफारिशें थी उसमें उसका एक्सप्लेनेशन होगा कि कौन कौन सी सिफारिशें थी और उसमें क्या क्या फैक्ट्स थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको आगे की वीडियो भी देखनी है तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मेरी वीडियो मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।